वेलकम बैक। हम आरके झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज का ये वीडियो क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 3F। आज का ये सेशन इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन सा आइडेंटिटी यूज हमें करना है। इस ये एक्सरसाइज बेसिकली दो आइडेंटिटी पर, दो फॉर्मूला पर बेस्ड है, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सबसे पहले ये दो फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप ये माइनस ए बी प्लस ए बी बीच में भी लिख सकते हैं, यानी ईश्वर से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला पर हम इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। और आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक का कंसेप्ट बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई क्वेश्चन होगा, जैसे ये एक्स क्यूब प्लस 27 है, एक ये 125 प्लस 1/8 ए क्यूब है, ये ए क्यूब प्लस 0.008 है। ये हम तीन क्वेश्चन आपको लिए हैं। एक क्वेश्चन सीधा आपको परफेक्ट क्यूब में दिया है, ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में है। डिजाइन कोई भी है उससे नहीं मतलब है, पहले हमको ये देखना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है क्या वो एक डायरेक्ट परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो देखिए, एक्स क्यूब, एक्स का होल क्यूब हो गया और 27 3 का क्यूब हो गया, इसीलिए किस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये क्या होता है ए प्लस बी, इसीलिए हम एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब माइनस 3 इंटू एक्स लिख दिए। इसको फिर फर्दर हम एक्स प्लस 3, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 एक्स, इसीलिए एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये फ्रैक्शन में भी है तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, तब भी हमको देखना है कि क्या एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। जैसे 125 5 का क्यूब हो गया और 1/8 1/2 का क्यूब होता है, बट यहाँ 1/8 एक क्यूब है, इसीलिए 1/2 एक का होल क्यूब हो गया। तो फिर ये किस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको फिर हम ए प्लस बी लिख दिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, फिर 5 प्लस 1/2 ए, 5 का स्क्वायर 25, 1/2 ए का स्क्वायर 1/4 ए स्क्वायर माइनस 5/2 ए हो गया। इस तरह से इसको भी बना सकते हैं। अगर डेसिमल में भी है तब भी कोई बात नहीं है, जैसे ए क्यूब ए का होल क्यूब होता है और ये 0.008 है, हम जानते हैं कि 2 का क्यूब है, बट ये 0.008 है, इसीलिए 0.008 0.2 का होल क्यूब हो गया। तो फिर एक्सप्रेशन आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, फिर हम इसको ए प्लस बी, मतलब ए प्लस 0.2 ए का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर माइनस ए इंटू 0.2, ए प्लस 0.2 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर 0.04, और ए को 0.2 से मल्टीप्लाई करती है तो 0.2 है, इसलिए माइनस 0.2 है, यानी ए प्लस 0.2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 0.04 माइनस 0.2 ए आ गया। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन समझेंगे तो फिर 8 तक बन जाएगा, बट इसमें ये एक अलग क्वेश्चन है। जैसे अभी तक हम क्या देखे 1, 3 और 8 क्वेश्चन में, गिवन एक्सप्रेशन डायरेक्ट एक परफेक्ट क्यूब में है, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट परफेक्ट क्यूब नहीं हो। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, निश्चित है उसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई कॉमन टर्म होगा, कोई कॉमन फैक्टर होगा। जैसे एक्स 5 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाता है। तो डायरेक्ट अगर परफेक्ट क्यूब नहीं था तो कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो दूसरा फैक्टर बचेगा वो निश्चित है कि एक परफेक्ट क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया। इसको हम कैरी करते चलेंगे, एक्स क्यूब को एक्स का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब लिख देंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो गया। फिर आगे हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे
और इसको फिर हम इस फॉर्मूला में यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स। तो फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, इस तरह से ला सकते हैं। तो ये भी यही क्वेश्चन है, देखिए 7 और 56 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो निश्चित है कि इसका कोई ना कोई कॉमन फैक्टर बनेगा। क्या है 7, तो 7 कॉमन ले लिए तो ये ए क्यूब प्लस 8b का होल क्यूब बन गया। 7 फैक्टर है ऑलरेडी, उसको कैरी करते चलेंगे। अब ये a का क्यूब हो गया, 8b क्यूब है जो कि 2b का क्यूब हो गया। फिर इसको हम इस एक्सप्रेशन में लिख देंगे 7 a प्लस बी मतलब a प्लस 2b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो 7 a प्लस 2b a का स्क्वायर a स्क्वायर 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर और ये माइनस 2ab हो गया। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक बना सकते हैं, फिर हम अगले सेशन में आगे का क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।